दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई, जिसके बाद घटना स्थल पर दमकल की टीम पहुंची और घटना स्थल पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। इस घटना में 2 बच्चे की आग से झुलसने की भी जानकारी आ रही है, जिन्हें दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के मंडावली साकेत ब्लॉक के शौचालय वाली गली के एक मकान में आग लगने की खबर मिली। खबर मिलते ही आधा दर्जन फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया। घटना स्थल पर फायर टेंडर की टीम ने सबसे पहले मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला और आग में झुलसे 2 बच्चों को भी बचाया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगी है, ये 3 घंटे हो गए सर आग लगे हुए। अच्छा, सर इसमें फैमिली रहती थी, बच्चे रहते थे, इसमें सिलेंडर भी था, कबाड़े की दुकान थी उसके पीछे सिलेंडर था। अच्छा। उसके पीछे फैमिली भी रहती थी। ऊपर की मंजिल पे सर खाली पड़ा था सारा। कितने लोग घायल हुए? सर 2 लोग घायल हुए हैं इसमें। कितनी देर हो गई आग लगे हुए? 2.5 घंटे हो गए। अच्छा। हाँ जी, बुझने का कोई नाम नहीं है, पानी डाल डाल के परेशान है। फायर ब्रिगेड को फोन करा है, आधे घंटे बाद पौन घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस वाले भी आधे घंटे बाद आए हैं। हाँ जी, एक लड़का का पूरा बिजली वालों को भी फोन कर करके परेशान है सर, कोई रिप्लाई नहीं है। दिल्ली से न्यूज पेपर एवं न्यूज चैनल सूरज की रोशनी के लिए रिजवान खान के साथ NM फरीदी की रिपोर्ट।